नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन पाठशाला में। आज है 9 मार्च 2020 और हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस नेशनल करंट अफेयर्स। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। डेली मॉर्निंग में उठकर करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, आज हमने पहला कौन सा टॉपिक लिया है। छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण तथ्य में जो हमने टॉपिक लिया है वो है लेटेराइट मिट्टी। देखिए, इसका स्थानीय नाम है भाटा मिट्टी या फिर कहें मुरमी मिट्टी। तो ध्यान रखेंगे, लेटेराइट मिट्टी को कहा जाता है भाटा या फिर मुरमी मिट्टी। इसमें मुख्य फसलें होती हैं आलू, टमाटर, चाय, लीची या फिर कहें बागानी फसलें। तो ध्यान रखेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बागानी फसलें के लिए उपयोगी मिट्टी कौन सी है, तो इसका आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी या फिर भाटा मिट्टी। ईंट निर्माण में इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, इसको इस फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील का उद्घाटन किस शहर में किया है। तो ये किया गया है आसनसोल में, और आप सभी को मालूम है आसनसोल जो है पश्चिम बंगाल राज्य में है। आसनसोल शहर जो है पश्चिम बंगाल में है, इतना आपको ध्यान में रखेंगे। इसी जगह आपको बोल सकता है किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल शहर का नाम बोलता है तो आसनसोल। क्या है ये रेस्टोरेंट ऑन व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने विटामिन B1, B12 और पैरासिटामोल सहित कितने तरह की दवा सामग्री के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। तो भारत सरकार ने हाल ही में B1, B12 और पैरासिटामोल सहित कुल 26 दवाइयों के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। ये क्यों किया गया है, ये जो किया गया है कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए किया गया है कि हम यहाँ अगर दवाई एक्सपोर्ट करते रहे, अगर बाई चांस हमारे देश में ये फैलता है तो हमें उससे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ही दवाई ना बचे, ऐसा इन परिस्थितियों से बचने के लिए केंद्र सरकार ने विटामिन B1, B12, पैरासिटामोल सहित कुल 26 दवाइयों के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। तो हम कौन सी योजना की बात कर रहे हैं अभी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। देखिए, मुख्यमंत्री ने 1,02,907 करोड़ का बजट पेश किया। किसानों का इस बजट में किसानों का खास ध्यान रखा गया है, बजट में कोई नया कर शामिल नहीं किया गया है। इसके साथ ही मनरेगा के लिए करीब 1,603 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के लिए 61 नए छात्रावास खोले जाएंगे। और हमने जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसके तहत जो है 5,100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। हम अब कुछ समय बाद जब हम छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तब हम उसमें इस बजट को भी अच्छे से पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के लिए, अभी आपको कोई एग्जाम नहीं है, आपके एग्जाम से पहले छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन जो है आपके कवर करा दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में कितने स्थानों को शामिल करने के लिए नामित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 स्थानों को। देखिए कौन कौन से स्थान है, भारत सरकार ने विश्व धरोहर 2020 में शामिल करने के लिए 2 स्थानों को नामित किया है। ये 2 स्थान कौन कौन से है, धौलावीरा और दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले। तो याद रखिये, धौलावीरा को जब शामिल किया गया है तो हम जो एंशियंट में क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें से धौलावीरा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट आते हैं, क्योंकि अभी देखिए करंट अफेयर्स में जो है धौलावीरा का जिक्र हो रहा है, तो इसके आसपास के जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को किस महाराज के नाम पर रखने का, अच्छा पहले जो है जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को किस महाराज के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है। ये आपके 4 ऑप्शंस है, इसमें जो आपको देखिए राजा जय सिंह में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है, राजा गुलाब सिंह। आपको जय सिंह और गुलाब सिंह में कंफ्यूज नहीं होना, तो ध्यान रखेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी का नाम जो है अब महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखा जाएगा। आपको गुलाब सिंह के बारे में एक फैक्ट और ध्यान में रखना है कि महाराजा गुलाब सिंह ने वर्ष 1846 में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो जब इनके नाम पे ये रखा जा रहा है यूनिवर्सिटी का नाम, तो ये भी पूछ सकता है कि अमृतसर की संधि जो है ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ध्यान रखेंगे कब साइन किया गया था, 1846 में साइन किया गया था। अब हम देखेंगे जीएस के क्वेश्चन, जीएस के अंडर हम अभी हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। देखिए
यूनानियों को भारत से बाहर किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूलस और चंद्रगुप्त के मध्य हुए युद्ध के उपरांत संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। इसी के साथ ही ये युद्ध समाप्त हो गया था। ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी कवर किया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, श्रावण बेलगोला। फैक्ट्स एक बार और देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रावण बेलगोला चले गए थे और वहां उन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। तो याद रखेंगे इनके गुरु कौन थे, भद्रबाहु कहाँ गए थे, श्रावण बेलगोला किस विधि से इन्होंने प्राण त्यागे थे, संलेखना विधि से। ये तीनों फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिंदुसार। इस तरह के क्वेश्चन लेने का मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, बिंदुसार था। इसमें एक कंफ्यूजन होता है, बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर जो होगा बिंदुसार होगा। बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था और यूनानी इतिहास में इसे अमित्रोचेडस के नाम से पुकारा जाता था। दोनों फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है, अमित्रोघात किसे कहा जाता था तो बिंदुसार को, अमित्रोचेडस किसे कहा गया है यूनानी इतिहास में तो ये कहा गया है बिंदुसार को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक। अशोक को आप सभी जानते हैं, अशोक मौर्य वंश का एक महान सम्राट था, यह बिंदुसार का पुत्र था, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन, क्वेश्चन क्या है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तक्षशिला। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उनके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उसने अशोक को कुमारमाती बनाकर वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया। तो ध्यान रखेंगे कहां थी अशांति, तक्षशिला में थी। चलिए दोस्तों, आज हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं इनको क्विकली रिविजन करेंगे, इससे आपको सारे क्वेश्चन जो है याद रहेंगे और लंबे समय तक याद रहेंगे। अभी रिसेंट में आपको कोई एग्जाम नहीं है तो आपको लंबे समय तक क्वेश्चन याद रखने की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। देखिए, रेलवे ने अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील का उद्घाटन किस शहर में किया? आसनसोल में। आसनसोल कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। केंद्र सरकार ने हाल ही में विटामिन B1, B12 और पैरासिटामोल सहित कुल 26 दवाओं सामग्री के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर कितने करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है? तो 5,100 करोड़ रुपए का। यहाँ ध्यान रखेंगे जो न्याय योजना ये अलग है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना है। सरकार, केंद्र सरकार मतलब कांग्रेस ने भी इस तरह की न्याय योजना की घोषणा की थी सेंटर पे, अगर वो गवर्नमेंट में आ जाते तो इस रिस्पेक्ट से भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर की सूची में कितने स्थानों को शामिल करने के नामित किया है? तो 2 स्थानों को। जम्मू नगर निगम ने जम्मू यूनिवर्सिटी का नाम किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है? महाराजा गुलाब सिंह। यूनानियों को भारत से बाहर करने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो इसका आंसर होगा श्रावण बेल गोला में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान कहाँ शांति थी? तो इसका आंसर है तक्षशिला में। अब देखते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कहाँ चीतल पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बलरामपुर। इस क्वेश्चन में काफी लोग को डाउट है लग रहा है, ध्यान रखेंगे चीतल पार्क बनाया जाना जो प्रस्तावित है वो है बलरामपुर में। अब देखते हैं हम आज का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का बायोफ्यूल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? ध्यान रखेंगे क्वेश्चन किसकी बात कर रहे हैं हम, बायोफ्यूल प्लांट की बात कर रहे हैं। आपके ऑप्शन है बेमेतरा, नारायणपुर, रायगढ़ या फिर बस्तर। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली मॉर्निंग में उठकर करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, थैंक यू।